डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक चैनल के इस वीडियो में आज हम लेसन वन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के लेक्चर फोर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के बारे में समझेंगे। तो चलिए लेक्चर को एंजॉय करते हैं। अगर आपने अभी तक लेक्चर वन कंप्यूटर, लेक्चर टू हार्डवेयर, लेक्चर थ्री सॉफ्टवेयर के वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक को शेयर किया है वीडियो का, आप उसे उस लिंक से जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। लेक्चर फोर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आज के वीडियो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट। आज के वीडियो में हम कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के डेफिनेशन को समझेंगे, सीपीयू के वर्किंग प्रिंसिपल को डायग्राम और एनिमेशन के साथ समझेंगे। आज के वीडियो में हम सीपीयू के पार्ट्स को एग्जांपल और पिक्चर के साथ समझेंगे और सीपीयू के प्राइमरी फंक्शन को समझेंगे। सबसे पहले हम आज के वीडियो में कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग के डेफिनेशन को समझते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है जो कंप्यूटर के सारे कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है। ये कंप्यूटर के प्रोग्राम के सारे इंस्ट्रक्शन को कैरी करता है। इस सारे बेसिक अर्थमेटिक, लॉजिकल और कंट्रोल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग को हम लोग सिंपली सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर कहते हैं। मैं कुछ कंप्यूटर में यूज होने वाले प्रोसेसर का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे कि इंटेल कंपनी का कोर आई प्रोसेसर जो आज सारे कंप्यूटर में आता है, एएमडी प्रोसेसर और मोबाइल में यूज होने वाला स्नैपड्रैगन प्रोसेसर। अब हम कंप्यूटर के सीपीयू के वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं। सीपीयू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं, ये कंप्यूटर में होने वाले सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। ALU यानी अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट, ये कंप्यूटर के सारे डेटा और इंस्ट्रक्शन को लेकर अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। मेन मेमोरी कंप्यूटर का करंट वर्किंग मेमोरी होता है। कंट्रोल यूनिट मेन मेमोरी से डेटा और इंस्ट्रक्शन को तथा इनपुट डिवाइस से डेटा और इंस्ट्रक्शन को लेता है और उस डेटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के ALU तक पहुंचाता है। ALU कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जो सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। जब तक ALU अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कंट्रोल यूनिट ALU पे नज़र रखता है। ALU का परफॉर्म किया गया ऑपरेशन से जो आउटपुट मिलता है उसे कंट्रोल यूनिट लेकर मेन मेमोरी तथा आउटपुट डिवाइस तक पहुँचाता है। इस तरह कंप्यूटर का CPU में सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं और ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। चलिए अब हम CPU के प्राइमरी फंक्शन को समझते हैं। अगर हम CPU के प्राइमरी फंक्शन को समझें तो CPU के चार प्राइमरी फंक्शन होते हैं। पहला जिसे हम फैच कहते हैं, दूसरा डिकोड और तीसरा एग्जीक्यूट और चौथा स्टोर। फैच करना मतलब इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के मेमोरी से उठाना। दूसरा डिकोड का मतलब उस इंस्ट्रक्शन को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना। तीसरा एग्जीक्यूट करने का मतलब उस एक्शन को परफॉर्म करना और नेक्स्ट स्टेप में चले जाना। चौथा स्टोर करना मतलब उसे मेमोरी में आउटपुट को स्टोर करना। चलिए अब हम सीपीयू के पार्ट्स के बारे में समझते हैं। सीपीयू के तीन मेन पार्ट्स होते हैं। पहला जिसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। कंट्रोल यूनिट सीपीयू के सारे ऑपरेशन को डायरेक्ट करता है। दूसरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तीसरा सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर सीपीयू के अंदर बहुत ही छोटे साइज का इंटरनल टेम्पररी मेमोरी होता है। अब हम
एक एक करके कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट और सीपीयू के रजिस्टर को समझेंगे। अब हम कंट्रोल यूनिट को कुछ पॉइंट के साथ समझते हैं। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर में होने वाले सारे ऑपरेशन को मैनेज, कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करता है। वो कंट्रोल यूनिट है जो डेटा और इंस्ट्रक्शन को सारे यूनिट में ट्रांसफर होने को भी कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट इनपुट आउटपुट डिवाइस से कम्युनिकेट करता है ताकि डेटा और रिजल्ट को स्टोरेज डिवाइस में ट्रांसफर कर सके। कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से लेता है, इंटरप्रेट करता है और ऑपरेशन को डायरेक्ट करता है। अब हम सीपीयू के अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट को समझते हैं। एलयू सीपीयू में होने वाले सारे मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करता है। एलयू के दो सब सेक्शन होते हैं जिसे हम अर्थमेटिक सेक्शन और लॉजिकल सेक्शन कहते हैं। अर्थमेटिक सेक्शन सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन। लॉजिकल सेक्शन लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, जैसे कि कंपेयर करना, सेलेक्ट करना, मैच करना और डेटा को मर्ज करना। अगर हम सीपीयू के रजिस्टर को समझें, तो ये स्मॉल साइज का सीपीयू का इंटरनल मेमोरी होता है। ये डेटा, इंस्ट्रक्शन, एड्रेस को कंटेन करता है, जिसे कि एलयू इंफॉर्मेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करता है। ये एक कंप्यूटर के मेमोरी का पार्ट नहीं होता है, बट ये एक स्पेशल एडिशनल स्टोरेज लोकेशन होता है। रजिस्टर को कंट्रोल यूनिट ही डायरेक्ट करता है। अब हम सीपीयू के बसेस के बारे में समझेंगे। बसेस सीपीयू के सेट ऑफ वायर होते हैं जो स्पेशल टाइप के इंफॉर्मेशन को सीपीयू में कैरी करते हैं। सीपीयू के बस तीन तरह के होते हैं, जिसे हम एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस करते हैं। मतलब एड्रेस को, डेटा को और कंट्रोल सिग्नल को ट्रांसफर करने वाले सेट ऑफ वायर। पहला एड्रेस बस। एड्रेस बस सीपीयू में एड्रेस को हर एक यूनिट में कैरी करता है। दूसरा डेटा बस। डेटा बस सीपीयू के डेटा को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में ट्रांसफर करता है। ये बसेस बाई डायरेक्शनल होते हैं, इसका मतलब डेटा को दोनों डायरेक्शन में ट्रांसफर किया जा सकता है। तीसरा कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल के बस कंट्रोल सिग्नल को एलयू से मेमोरी और मेमोरी से एलयू तक कैरी करते हैं। नाउ क्वेश्चन टाइम। आज के वीडियो का क्वेश्चन है, नेम द कंपनी विच डेवलप कोर आई प्रोसेसर। मतलब आपको बताना है कि वो कौन सी कंपनी है जो कोर आई प्रोसेसर डेवलप की है। आपके ऑप्शन हैं ए माइक्रोसॉफ्ट, बी गूगल, सी इंटेल कॉरपोरेशन और डी याहू। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। थैंक यू।